वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई ऑर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप एंड मेटाडेक्टिन ग्रुप। एग्जाम में मोस्टली ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप हैं और कौन से मेटाडेक्टिन ग्रुप हैं, तो इनको याद करने के लिए एक सुपर ट्रिक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। सपोज करते ये वाले हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिए गए हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिनोल, बेंजोइक एसिड, टोलोइन एंड बेंजाल्डिहाइड, ठीक है जी। और आपसे पूछा जाता है बताएं इनमें से ऑर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप कौन से और मेटाडेक्टिन ग्रुप कौन से, तो आप लोगों ने दो तीन चीज़ें जेहन में रखनी। पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने जेहन में रखना है कि इस तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्ट एटम अटैच है, सपोज का लेक्स है, अगर तो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है और सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है, तो वो वाला ग्रुप कौन सा होगा, वो ऑर्थो पैरा होगा। या ये वाला एक्स आगे अटैच हो एक वाई एटम के साथ और इसके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड हो, तो भी ये ऑर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप होगा। लेकिन अगर ये वाला एक्स किसी दूसरे आइटम के साथ अटैच हो विद डबल बॉन्ड के जरिए, तो ये मेटाडेक्टिन ग्रुप होगा। ये आसान सा ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं क्लोरीन डायरेक्ट अटैच है बेंजीन के साथ, इस तरह जो डायरेक्ट अटैच है और सिंगल बॉन्ड के जरिए, इसका मतलब ये ऑर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप है। नेक्स्ट ब्रोमीन है, अगर आप लोग यहाँ पर ब्रोमीन अटैच करते हैं सीएल की जगह, तो ये भी ऑर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप है। अगर आप फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है और दोनों ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, कौन सा ग्रुप होगा, ये आपके पास होगा ऑर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप। अगर आप बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड का भी स्ट्रक्चर ड्रा कर लें आप लोग इस तरह, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हों तो आप लोग ने डबल बॉन्ड वाले कार्बन और ऑक्सीजन को एक्स वाई सपोज करना है, इसको आप लोग एक्स कह लें, इसको आप लोग वाई कह लें। अब आप लोग देखें एक्स और वाई के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब डबल बॉन्ड आएगा तो वो मेटाडेक्टिन ग्रुप होगा। इसी तरह अगर टोलोइन की बात करते हैं तो टोलोइन में कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है, इसका मतलब ये ऑर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप है। लास्ट एग्जांपल जो है वो है जी बेंजाल्डिहाइड की, तो बेंजाल्डिहाइड में हम लोग देख सकते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्स एक्स और ये वाला वाई, एक्स और वाई के दरमियान डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये वाला मेटाडेक्टिन ग्रुप है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को वीडियो की समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।